सो हेलो वालों, कैसे हैं हम सब? मेरे दिया सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फोटोज़ कौन नहीं डालता, सब डालते हैं, चमकाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, बिकॉज आज हम देखने वाले हैं कि इस तरह की फ़ोटो को इस तरह कैसे बना सकते हैं, इस तरह में बदल सकते हैं, बहुत ही चुटकियों में बदल सकते हैं। बेसिक एडिटिंग आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होने वाली है। मतलब आप अलग अलग एंगल से अगर फ़ोटो लेना चाहते हैं, लो एंगल से लेना चाहते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो फ़ोटो है वो एक्सपोजर ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पाती है, और क्या होता है कि हमारी फ़ोटो में ब्लैक डार्क जो है लेवल वो बढ़ जाता है। इसी वजह से हमारी फ़ोटो जो है काली आ जाती है, शक्ल हमारा काला आ जा सकता है आता है, और यहाँ पर फ़ोटो ब्लैक बैक सी आती है, वो हम डाल नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी फ़ोटो को हम करेंगे एडिट, और बहुत ही मस्त एडिटिंग करके हम इसको नॉर्मल फ़ोटो बना देंगे, और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अति सुंदर लगने वाली है। तो इस चेहरे को आपने पहली बार देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, बिकॉज आपका भाई आपके लिए हर रोज़ नए नए टॉपिक्स पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता है। तो गाइस, बिना देरी आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने एंड्रॉयड डिवाइस में आना हो, यहाँ पर आपको स्नैपसीड डाउनलोड करना है। स्नैपसीड दोस्तों प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप मैनुअली डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों जो ये ऐप है बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, मैं मानता हूँ ये आपके एंड्रॉयड डिवाइस में या फिर iOS में होना ही चाहिए, एडिटिंग के लिए होना ही चाहिए। इस फोटो को मैं एडिट करने जा रहा हूँ स्नैपसीड में, और आपके सामने एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ इस बहुत ही मतलब जो कि अपलोड कर दी नहीं जा सकती किसी भी सोशल मीडिया पर। तो गाइस, मैं इसको अपने अभी एडिट करता हूँ। यहाँ पर आपको टूल पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको ट्यून इमेज पे आ जाना है। सारा खेल इसी टूल का हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आप ये नीचे देखिए, ये दिख रहा है ना, इस पे देखिए, इसको आप जब आप ऊपर को करेंगे, ऊपर स्लाइड करेंगे, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको टूल दिखाई पड़ेंगे, और जब आप इसको लेफ्ट एंड राइट करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्हें इंक्रीज़ कर सकते हैं, ब्राइटनेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ इसको अभी हम करने जा रहे हैं। तो गाइज़ ब्राइटनेस आप अपनी फ़ोटो के अनुसार बढ़ाइए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इतना बढ़ाइए कि इसकी जो सेचुरेशन है वो अंदर ही रहे, ज़्यादा बढ़े ना, ज़्यादा कम ना हो, फेड ना लगे फोटो को। ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको नीचे कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, इसके साथ छेड़खानी मत करिए। उसके बाद दोस्तों सेचुरेशन, अगर आपकी फ़ोटो ज़्यादा सेचुरेशन हल्का हल्का सा बढ़ा दीजिए दोस्तों। यहाँ पर जो मैं आप दो यहाँ पर मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, एक तो ब्राइटनेस और दूसरा सेचुरेशन। अब दोस्तों यहाँ पर एम्बियंस जो ये है दिख रहा है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़ा दीजिए, लगभग इतना करिए कि आपकी फ़ोटो आपको अच्छी लगने लगे। ये क्या करता है, एम्बियंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, ये क्या करता है कि आपकी फ़ोटो को पूरी तरह से बैलेंस कर देता है, ताकि फ़ोटो कहीं से भी इम्बैलेंस ना लगे, सभी सेचुरेशन बढ़ा देता है, हर जगह सेचुरेशन करेक्ट कर देता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाईलाइट पे ही है, हाईलाइट पे आप इसको हाईलाइट को घटा दीजिए। एम्बियंस बढ़ाना है, हाईलाइट घटाना है, जितना आपने एम्बियंस बढ़ाया है उतना ही हाईलाइट घटा भी दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर शेडो पे जाइए, शेडो दोस्तों अब थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अगर आपकी फ़ोटो में ब्लैकनेस ज़्यादा है, जहाँ पर ब्लैकनेस है, डार्क एरिया है, वहाँ पर ये वाइट कर देगा, लेकिन इतना मत करिए कि वहाँ पर धब्बा सा दिखने लगे। ठीक है, नहीं तो वो अलग ही दिखाई पड़ेगा। अब दोस्तों वार्मनेस से अगर आपके अंदर, इसको कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए दोस्तों, ये जो हमने यूज़ किए हैं, अब दोस्तों हमारी फ़ोटो बैलेंस हो गई है बहुत हद तक। अब दोस्तों हम एक और टूल यहाँ पर यूज़ करेंगे, टूल यहाँ पर आपको सेलेक्टिव यूज़ करना है। सेलेक्टिव यूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपको अपनी शक्ल पे अगर दिख रहा है, यहाँ पर जहाँ पे ब्लैकनेस दिख रहा है वहाँ पे आप इसको स्पॉट कर देंगे, और यहाँ पर आपको अपनी शक्ल का ब्लैकनेस अगर अपने फेस पे ला के इसको सही से करना है। ओके, और ये आपको बस रैंडमली प्ले करना है सारे टूल्स के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा, आप जिसे सेटिस्फाइड है, आपकी आंखें जिसे सेटिस्फाइड हैं, वो अप्लाई कर दीजिए सेटिंग्स। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपके जो दाग धब्बे हैं चेहरे पे, मुहासे हैं, कि जो भी हैं पिंपल्स हैं, उसके निशान हैं, तो यहाँ पर आप उसको मिटा सकते हैं बहुत ही सिंपल से। इसको हीलिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप जो भी है सारे यहाँ पर आप अपने चेहरे से ये स्पॉट्स ब्लेमिश हटा सकते हैं। ये काफ़ी मुझे पसंद है इसके अंदर अंदर का, वैसे मैं अभी हटा नहीं रहा हूँ, बट मैंने भी ऑलरेडी हटा रखा है, तो मैं बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो हमारी काफ़ी बढ़िया लग गई है, लेकिन दोस्तों अगर हम चाहें अपने हाथ पे वो सेलेक्टिव टूल देख सकते हैं, और इसकी जो ओपेसिटी कम कर देंगे, और इसको हम गोरा कर सकते हैं, फिर ब्राइटनेस डाल सकते हैं। दोस्तों ये तरीका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है
सभी फ़ोटोज़ को मस्त बना देता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप बताइए आप यूज़ करने वाले हैं या नहीं, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप एडिट करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करिए IMSJM के साथ, मैं आपकी फ़ोटो आकर देखूँगा, लाइक करूँगा, मतलब अपना दिल दूंगा, जैसा भी है वहाँ पर फीचर वैसे दूंगा। तो कैसे मिलता हूँ बहुत एक्साइटिंग नई वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, भाई लोग चंदी वंदे मातरम।